सो हे गाइस, दिस साइड स्वराज और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है और टाइटल थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसके गेम प्ले के चर्चे तो आप सबने सुने ही होंगे। एक ऐसा प्लेयर जो हर गन चलाना जानता है, एक ऐसा प्लेयर जो इतनी मेहनत करने के बाद भी ऑफिशियल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इस चीज को उन्होंने सेटबैक की तरह ना लेते हुए दिन बर दिन अपना ग्राइंड बढ़ाया और अपने गेम में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाते रहे और आज तक इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। सो आज हम बात करने वाले हैं TSG लेजेंड के बारे में, एक ऐसा बंदा जिसने ना जाने कितने घंटे इस गेम को दिए और आने वाले टाइम में भी देता रहेगा। सो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी क्वालिटीज है TSG लेजेंड में जो कि उनको सबसे अलग, सबसे यूनिक प्लेयर बनाती हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है वर्सेटैलिटी। आप में से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनकी कोई एक फेवरेट गन होती है, एक लॉन्ग रेंज एक शॉर्ट रेंज में, और आप मैप में उतरते ही सबसे पहले उस गन को ढूंढने लगते हो। देखो, फेवरेट गन होना या प्रेफरेंसेस होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज की डेट में आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप कोई भी वेपन चला सको और जरूरत पड़ने पे किसी भी रोल में फिटा सको। अगर हम बात करें TSG लेजेंड की, शायद ही कोई वेपन होगा जो ये बंदा ना चला पाए। बात करो क्लोज रेंज में शॉटगन लेके क्लचेस करने की, या लॉन्ग रेंज में स्प्रे करके बंदे गिराने की, या चाहे DMR से हेडशॉट मार मार के सामने वाले ओपोनेंट्स को अपना खौफ बनाना, जरूरत पड़ने पर टीममेट्स को स्नाइपर से कवर देना, या वॉल के पीछे छुपे पूरी टीम को ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से नॉक करना। गेम में शायद ही ऐसा कोई रोल है जो TSG लेजेंड ना कर पाए। आई अग्री कि हर बंदे का एक फेवरेट रोल होता है, किसी को शॉर्ट रेंज में खेलना पसंद है, किसी को मिड रेंज, किसी को लॉन्ग रेंज। अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं ये नहीं कहता कि आपका एक स्पेशलिस्ट रोल नहीं होना चाहिए, बट जब आपके टीममेट्स को जरूरत पड़े तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी गन से, किसी भी जगह, किसी भी रेंज पे अपने टीममेट्स को सपोर्ट कर पाए। ये जो गन्स वाली बात है, ये कैरेक्टर स्किल्स पे भी अप्लाई होती है। हम सबके फेवरेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस होते हैं, फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बिना हम नॉर्मली नहीं खेलते हैं। लेकिन बहुत बार सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी अपने टीम के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है और टीम के कॉम्बिनेशन, टीम के कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। देखो, क्योंकि एट द एंड है तो ये टीम गेम, असली खुशी तभी होगी जब आप टीम के साथ ट्रॉफी उठाओगे, ना कि आप चाहे जितने इंडिविजुअल MVPs ले लो, आपको वो फील नहीं आने वाला जब आपकी टीम ट्रॉफी उठाएगी। सो अगली जो क्वालिटी TSG लेजेंड को सबसे यूनिक बनाती है वो है उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स TSG आर्मी। वेल, आप सबको पता होगा TSG आर्मी की जो प्रेजेंट लाइनअप है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनकी शुरुआत होती है 2019 से, जब TSG आर्मी पहली वो टीम बनी जिसने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, और इस टीम के मेंबर्स थे ऋतिक, वासियो, शाहिद एंड गुरकीरत। ऑल्दो फ्री फायर एशिया इन्विटेशनल 2019 उतना अच्छा ना जाने के बाद ये टीम डिसबैंड हो गई थी, और उसी के कुछ टाइम बाद टीम में एंट्री होती है TSG लेजेंड की। उसके बाद अब 2020 से लेके 2023 तक का टाइमलाइन पकड़ के देख लो, कितने सारे बड़े बड़े, कितने सारे तगड़े तगड़े प्लेयर्स आए और गए। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोमिनेंट नेम्स जो मुझे याद आते हैं अभी, वो है स्टोनर, ओजस्वी, विहान, आइकॉनिक एंड किलर, और भी ना जाने कितने सारे प्लेयर्स। सो जो उनका अभी का एक्टिव रोस्टर है उसमें है लेजेंड, वासियो, ऋतिक, सिद्धार्थ, क्रिश एंड आयुष। TSG आर्मी का जो इतना लंबा टाइमलाइन रहा उसमें दो बंदे कॉमन है, ऋतिक और लेजेंड। लिटरली एक बंदा कितना लॉयल हो सकता है अपनी टीम के लिए, इसकी मिसाल है TSG लेजेंड। एक बार इन्होंने ऋतिक और जश का हाथ जो पकड़ा वो उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया लेजेंड को कि TSG आर्मी में रहने की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने इतना तक कह दिया था कि TSG आर्मी में रहकर उनका करियर खत्म हो रहा है, उनको नई टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उनको कोई और ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन लेजेंड के ख्याल कुछ अलग है, और उनके इसी स्ट्रांग मेंटालिटी के दम पे आई एम श्योर वो किसी दिन इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे प्राउड फील कराने वाले हैं। सो जो हमारा अगला पॉइंट होने वाला है वो है डेडिकेशन टुवर्ड्स द गेम एंड ई-स्पोर्ट्स। अब सबको तो पता ही है कि लेजेंड का गेम प्ले किस लेवल का है, किस लेवल के उनके असॉल्टिंग पावर है, कितना तगड़ा इनका फायर पावर है, और कितने वर्सेटाइल एज अ प्लेयर है TSG लेजेंड। लिटरली इस कैलिबर का गेम होने के बावजूद भी आज तक ये बंदे ने ग्राइंड नहीं रोका अपना, दिन बर दिन और ज्यादा मेहनत करके अपने गेम में ज्यादा से ज्यादा निखार लाने का ट्राई करते हैं ये प्लेयर। और दूसरी चीज, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ई-स्पोर्ट्स को लेके इनका डेडिकेशन, क्योंकि देखो आपको पता है फ्री फायर कम्युनिटी में किस तरह का कंटेंट ज्यादा चलता है। ग्रैंड मास्टर गर्ल, कॉल्ड मी नूब, थंबनेल पे डायमंड्स, थंबनेल पे गाड़ी लगा दो, क्लिकबेट करो, सैमसंग पारा परफेक्ट, और भी पता नहीं क्या क्या उटपटांग कंटेंट। लेकिन अगर आप लेजेंड के चैनल पे ध्यान दो
तो इनके चैनल पे आपको मैक्सिमम ई-स्पोर्ट्स और गेम प्ले रिलेटेड ही कंटेंट मिलता है। एक बंदा जब दिन रात मेहनत करके प्रैक्टिस करता है, फिर टूर्नामेंट में जाके परफॉर्म करता है और उसके बाद जब जाके हाइलाइट्स डालता है, इतनी मेहनत करने के बाद बहुत मुश्किल से एक बंदे के 100K व्यूज जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा कंटेंट डाल दो तो आप मिलियंस में व्यूज उठा सकते हो। यहाँ पे यार आज की डेट में व्यूज किसको नहीं पसंद, जितने ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा एड रेवेन्यू और जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा ब्रांड्स आपके पास आएंगे। लेजेंड जिनके पास 1 मिलियन से भी ऊपर का चैनल है वो आराम से कुछ भी कंटेंट डाल के बहुत ज्यादा व्यूज उठा सकते हैं, लेकिन बंदे के ख्याल कुछ और है, बंदे के गोल्स कुछ और है। सो जो हमारे वीडियो का 4th और आखिरी पॉइंट होने वाला है वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा, TSG लेजेंड नो डाउट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर्स है। मल्टीपल अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स में अपना रोला जमाने के बाद भी बार बार ओपन क्वालिफायर्स में इतना अच्छा परफॉर्म करा, 30-31 के एवरेज से किल्स भी मारे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉप 100 के आसपास ही खत्म करा, बट स्टिल हर बार कुछ पॉइंट्स कुछ एवरेज पॉइंट्स के छोटे छोटे मार्जिन से इनकी टीम रह गई। बार बार ना जाने कितनी बार ट्राई करने के बाद भी, अब चाहे इनका लक कहो या डेस्टिनी, ये हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट से रह ही गए। अब सोचो इतने अच्छे प्लेयर, इतने तगड़े प्लेयर का अब तक FFIC या FFPL जैसे मेजर ऑफिशियल टूर्नामेंट में अभी तक इनका डेब्यू नहीं हुआ है। और खास बात यह है कि इतने मल्टीपल ट्राइज करने के बाद भी, इतने मल्टीपल एफर्ट्स लगाने के बाद भी इस बंदे ने अब तक हार नहीं मानी। लिटरली सल्यूट है इस बंदे के एटीट्यूड को। अगर आप ई-स्पोर्ट्स में अपना रोल मॉडल चुनना चाहते हो, अपना इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो किसी को एज एन ई-स्पोर्ट्स एथलीट, तो यार ये बंदा TSG लेजेंड ही इज द मैन। सोचो बंदा एटलीस्ट वीक में एक दिन स्ट्रीम कर रहा है, रेगुलर वीडियोस डाल रहा है, प्रॉपर ग्राइंड कर रहा है, डेली बड़े टूर्नामेंट्स खेल रहा है, स्क्रिम्स खेल रहा है, और इन सब के बाद भी ये बंदा थकता नहीं है। लिटरली मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी ऑफिशियल मेजर टूर्नामेंट्स हो उसमें TSG लेजेंड और उनकी टीम TSG आर्मी जरूर क्वालिफाई करे और उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दे जो इन्हें बार बार ये कह के पोक करते हैं कि अनऑफिशियल प्लेयर्स हैं या फिर ये सिर्फ इन्वाइटेड स्लॉट्स पे खेलते हैं। सो विशिंग TSG लेजेंड एंड TSG आर्मी ऑल द वेरी बेस्ट। खत्म करते हैं आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।